हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी जो यूपीपीसीएल जेईई का एग्जाम हुआ था सितंबर में, 7 सितंबर और 8 सितंबर को, उसमें पूछे गए थे, यानी सितंबर के चारों शिफ्ट के पेपर का मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो में अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी आपसे पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आगे आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी, या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, किस टाइप की प्रिपरेशन आपको आगे करनी है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, ये आपको पता चलेगा। तो बहुत सारी बातें आपकी क्लियर होंगी। इसके साथ साथ हर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बूलियन एलजेब्रा द रिजल्टेंट ऑफ द ऑपरेशन ए प्लस ए बी विल बी। ये जो बूलियन एलजेब्रा के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा, यानी अगर हम इसको मिनिमाइज करें तो क्या रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बूलियन एलजेब्रा के रूल्स और लॉ। जो लॉ और रूल्स हैं बूलियन एलजेब्रा के, वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। रूल नंबर 1 है a प्लस 0 इक्वल टू a होता है, रूल 2 है a प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, रूल 3 है a डॉट 0 इक्वल टू 0 होता है। यानी इस टाइप के 12 रूल दिए हैं इन्होंने, और ये लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है वो पता होना चाहिए, जो आपकी हेल्प करेगी किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल फंक्शन दिया है a प्लस ए बी, इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो इसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, a कॉमन हमने निकाल लिया, a बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास 1 प्लस बी बचा। अब 1 प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो अगर आपको ये लॉ पता होंगे, ये रूल्स पता होंगे, तो 1 प्लस ए इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो गया, तो a डॉट 1, तो आंसर हमारा a आ जाएगा। तो बहुत सिंपल होता है ये बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना, हम k मैप की हेल्प से भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, इस टाइप से आप बूलियन एलजेब्रा के लॉ और रूल की हेल्प से मिनिमाइजेशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सिंगल इनपुट गेट इन विच इनपुट एंड आउटपुट आर सेम इज कॉल्ड। एक सिंगल इनपुट गेट है हमारे पास जिसका इनपुट और आउटपुट सेम आता है, उसको हम क्या कहते हैं, बफर कहते हैं, एक्सनोर गेट कहते हैं, एंड गेट या इन्वर्टर। तो उसको बेसिकली हम बफर कहते हैं। बफर क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये सिंगल इनपुट गेट होता है जिसका इनपुट अगर आपने 0 दिया तो आउटपुट भी 0 मिलेगा, और इनपुट 1 दिया तो आउटपुट भी 1 मिलेगा। और इसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो किस तरीके से हमको सेम इनपुट में सेम आउटपुट मिलेगा, वो इस तरीके से मिलता है। बफर बेसिकली ए लॉजिक गेट दैट पासेज इट्स इनपुट अनचेंज टू इट्स आउटपुट। बिना इनपुट में चेंज किए हुए वो हमें सेम आउटपुट देता है, उसको हम कहते हैं बफर। ए बफर हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट, इट्स आउटपुट ऑलवेज इक्वल टू द इनपुट। इसका आउटपुट हमेशा इनपुट के इक्वल होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बफर। बफर के बारे में और भी यहाँ पे दिया है, बफर आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द प्रोपोगेशन डिले ऑफ सर्किट्स बाई ड्राइविंग द लार्ज कैपेसिटिव लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 101100 इज। इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल रूल है, जो भी नंबर आपको दिया है उसको आप इन्वर्ट कर दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा यहाँ पे दिया है, ये अगर बाइनरी डिजिट है हमारे पास, तो इस बाइनरी नंबर को अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर जीरो को वन से और वन को जीरो से चेंज करेंगे।
ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे ये जीरो है तो हमने इसको कन्वर्ट किया वन, चेंज कर दिया। वन को हमें जीरो से और जीरो को वन से चेंज करना है, तो ये वन था, जीरो कर दिया, जीरो जीरो को वन वन और वन वन को जीरो जीरो, तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन बाइनरी नंबर है ये, तो इसमें हमको हर जीरो को वन से और वन को जीरो से चेंज करना है। यहाँ पे देखिए ये जीरो है तो इसको हम वन से चेंज करेंगे, इस जीरो को फिर वन, फिर वन है तो ये आ जाएगा जीरो, फिर वन है तो फिर जीरो आ जाएगा, जीरो है तो वन आएगा और वन है तो इसको हमको जीरो से चेंज करना है। तो हमारा ये बाइनरी नंबर आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा इस बाइनरी नंबर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, वन वन जीरो जीरो वन जीरो, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, और टूस कॉम्प्लीमेंट का रूल भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमें किसी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जैसा कि अभी अपन ने यहाँ किया। उसके बाद उसमें प्लस वन कर देंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, यानी यहाँ पे ये हमारी होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये वाली कहलाती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम प्लस वन कर देंगे तो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि अगर आपको किसी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला है। इसके बाद इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, यानी इसमें हम प्लस वन कर देंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से हम वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, ए टू इनपुट गेट गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो। एक टू इनपुट गेट है जो तभी हाई आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट लो हो। फॉर ऑल अदर कंडीशन द आउटपुट रिमेन लो, बाकी अदर कंडीशन में आउटपुट हमें लो ही मिलेगा। हाई आउटपुट कब मिलेगा? जब दोनों इनपुट लो हो, बाकी सारी कंडीशन में आउटपुट लो मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा गेट है? वो गेट कहलाता है नॉर गेट। अगर आपको नॉर गेट का ट्रुथ टेबल पता होंगे तो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे पाओगे। सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बता रही हूँ वो अभी पूछे गए थे सितंबर 2021 में, जो यूपी पीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था 7 सितंबर और 8 सितंबर को, उनके क्वेश्चन पेपर से मैंने निकाले हैं क्वेश्चन। तो इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नॉर गेट में देखिए दोनों इनपुट अगर लो हैं तो आउटपुट हाई मिलता है, और अगर एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो मिलता है, तो ये कहलाता है नॉर गेट। ठीक है, और नॉर गेट का सिंबल ये है, ये ट्रुथ टेबल है और ये आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच लॉजिक गेट रिप्रेजेंट बाय द गिवन सिंबल। ये सिंबल कौन सा लॉजिक गेट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट का सिंबल, और नॉट गेट का आउटपुट आता है अगर इनपुट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट इसका आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, यानी अगर इनपुट में जीरो दे रहे हो तो आउटपुट में वन मिलेगा, अगर इनपुट वन दे रहे हो तो आउटपुट जीरो मिलेगा। बफर के केस में मैंने आपको बताया जो इनपुट हम देते हैं वही आउटपुट मिलता है, लेकिन नॉट गेट के केस में क्या होता है, जो इनपुट हम देते हैं उसका इनवर्स हमें आउटपुट मिलता है, जीरो इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट जीरो आउटपुट। तो नॉट गेट इसका करेक्ट आंसर है, सिंबल ये है और ट्रुथ टेबल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन अ थ्री वेरिएबल करलॉज मैप। जो के मैप होता है थ्री वेरिएबल वाला, उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं? तो उसमें बेसिकली एट स्क्वायर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मिन टर्म्स देख रहे होंगे, थ्री वेरिएबल्स होते हैं उसमें एट मिन टर्म होते हैं, M0 से लेकर M7 तक, और उसको हम इस तरीके से मैप करते हैं मिन टर्म को, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। यहाँ आता है 0, 0, दो वेरिएबल हम इधर लेते हैं, एक वेरिएबल यहाँ लेंगे 0 और 1, और दो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन हमारे क्या होंगे, चार कॉम्बिनेशन होंगे 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। ठीक है, तो ये थ्री वेरिएबल के मैप है।
अगर आपसे फोर वेरिएबल के मैप के बारे में पूछा जाता है तो कितने स्क्वायर्स आएंगे? 16 स्क्वायर्स आते हैं उसमें, वो भी आगे अपन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग बुलियन एलजेब्रा इफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज मिनिमाइज्ड देन द रिजल्ट विल बी। आपको बुलियन एलजेब्रा में अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है, ये दिया हुआ है, इसको मिनिमाइज करके रिजल्ट क्या आएगा, तो इसको मिनिमाइज करिए। मैंने अभी आपको रूल और रेगुलेशंस बताए, उसकी हेल्प से हम बहुत ही इजिली इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों टर्म में ए भी कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बताया है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, इन दोनों में हमने ए और बी को कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास बचा 1 + c। ये वाला पूरा टर्म हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब 1 + c क्या होता है? 1 + c, आप रूल्स देखिएगा, 1 + c इक्वल टू हो जाएगा 1, और रूल में लिखा होगा 1 + a इक्वल टू 1, तो 1 + a या 1 + c इक्वल टू 1 आएगा, तो ये 1 आ गया, तो एक हमारा मिनिमाइज हो गया। तो यहाँ पे हमको केवल ए बी मिला, प्लस इसको हमने ओपन कर दिया, ए बी डी प्लस ए बी ई, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में हमने ए बी फिर कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिला, ए बी कॉमन आ गया, 1 + d प्लस ये वाला टर्म। अब 1 + d, जैसे 1 + c 1 होता है, वैसे ही 1 + d भी 1 होता है, तो अब हमारे पास बचा ए बी प्लस ए बी ई। अब इन दोनों में हमने फिर ए बी कॉमन ले लिया, 1 + e, 1 + e क्या होता है, 1 होता है, जैसे आपका 1 + c 1 है, 1 + d 1 है, 1 + e भी 1 होता है, आप रूल्स देखिएगा, तो हमारा आ गया ए बी, तो ए बी आपका करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत थोड़ा जल्द सा दिमाग लगाओगे और थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी लॉजिक फैमिली हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ फैन आउट। फैन आउट की मिनिमम वैल्यू किस लॉजिक फैमिली की आईसी की होती है? यहाँ पे लॉजिक फैमिलीज दी हुई हैं, टीटीएल, ईसीएल, स्टैंडर्ड टीटीएल और सीमॉस, इनमें से मिनिमम वैल्यू फैन आउट की किसकी होती है, तो वो होती है स्टैंडर्ड टीटीएल। और अगर आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम किसकी होती है, तो मैक्सिमम होती है यानी हाईएस्ट होती है सीमॉस की, मिनिमम स्टैंडर्ड टीटीएल की या टीटीएल। यहाँ पे दो टाइप के टीटीएल दिए हैं, टीटीएल को भी क्लासिफाई किया है कई तरीके से, तो यहाँ पे अगर दो टाइप के टीटीएल दिए हैं तो स्टैंडर्ड टीटीएल की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है फैन आउट की, और मैक्सिमम फैन आउट की वैल्यू होती है सीमॉस की। तो ये आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब फैन आउट क्या कहलाता है वो यहाँ पे दिया है, और टीटीएल की फैन आउट की वैल्यू क्या है वो भी यहाँ पे दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। टीटीएल गेट हैज ए फैन आउट ऑफ 10, 10 का फैन आउट होता है टीटीएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लॉजिक फंक्शन। इस लॉजिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ पे लॉजिक फंक्शन में आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये बार डिस्टर्ब हो गए हैं। ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार, अगेन मैं आपको बताती हूँ, y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार, इसका सिंप्लीफिकेशन आपको मुझे बताना है कि क्या होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ बुलियन एलजेब्रा के रूल, रेगुलेशन और हिंट दे देती हूँ। देखिए, बुलियन लॉजिक में जो हमारा डी मॉर्गन थ्योरम होती है, वो दो थ्योरम इन्होंने अपन को दी है। फर्स्ट थ्योरम है ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो अगर हम इसको एक एलिमेंट मान लें और ये हमारा पूरा दूसरा एलिमेंट हो जाए, तो इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, तो a प्लस बी का होल बार क्या आ जाएगा, a बार प्लस बी, a बार डॉट b बार, ठीक है। दूसरी थ्योरम कहती है डी मॉर्गन की, a डॉट b का होल बार इक्वल टू a बार प्लस b बार। तो ये दोनों थ्योरम इसमें अप्लाई होंगी, उसके साथ ये रूल और रेगुलेशंस भी लगेंगे, तो इनकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे इस लॉजिक फंक्शन को। मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, और डी मॉर्गन की फर्स्ट और सेकेंड थ्योरम सबसे पहले इसमें अप्लाई होंगी इसको मिनिमाइज करने के लिए। अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते हो तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द बेसिक सर्किट फॉर द ECL फैमिली इज डैश गेट। जो ECL फैमिली का जो बेसिक सर्किट होता है उसमें कौन कौन से गेट लगे होते हैं, तो उसमें बेसिकली और नॉर गेट लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा एमिटर कपल लॉजिक सर्किट, ECL का फुल फॉर्म होता है एमिटर कपल लॉजिक सर्किट, में बेसिकली टू इनपुट और नॉर गेट लगे होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस दिए हैं, फैन आउट दिया है, फैन इन, नॉइज मार्जिन क्या होता है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करिए और ये सारी चीजें यहाँ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, तो बेसिकली अगर आपको नंबर सिस्टम मालूम होंगे कि हम किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कहलाता है नंबर सिस्टम। तो बेसिकली चार नंबर सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक होता है बाइनरी, बाइनरी का बेस होता है 2, क्योंकि हम बाइनरी में दो डिजिट की हेल्प से, 0 और 1 की हेल्प से कोई भी डेसिमल का नंबर शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका बेस होता है 2। ऑक्टल का होता है 8, तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 बताया है इन्होंने, 0 से 7 की हेल्प से हम सारे डिजिट शो कर लेते हैं। और हेक्साडेसिमल का होता है 16 और डेसिमल का होता है 10। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 होता है, बाइनरी का 2 होता है, इसमें हम दो डिजिट की हेल्प से हम सारे सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं 0 और 1 की हेल्प से। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और ऑक्टल का 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टी फ्लिप फ्लॉप इज ए सिंगल इनपुट वर्जन ऑफ द डैश फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप हमारे कौन से फ्लिप फ्लॉप का सिंगल इनपुट वर्जन है, तो बेसिकली वो हमारे JK फ्लिप फ्लॉप का सिंगल इनपुट वर्जन कहलाता है। और टी का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी स्टैंड्स फॉर टॉगल, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर है JK फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे देखिए टी फ्लिप फ्लॉप बनाया है हमने JK फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। अगर इसमें दो इनपुट होंगे तो ये JK की तरह वर्क करेगा, और JK को अगर हम कंबाइन कर दें इनपुट को, सिंगल इनपुट कर दें, JK फ्लिप फ्लॉप का सिंगल इनपुट वर्जन होता है टी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ CMOS। CMOS का मेजर डिसएडवांटेज क्या है, तो CMOS का मेजर डिसएडवांटेज है कि उसकी ऑपरेटिंग स्पीड स्लो होती है, ठीक है, स्लो ऑपरेटिंग स्पीड, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे एडवांटेजेस दिए हैं CMOS के और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी दिए हैं CMOS लॉजिक गेट के, तो वो आप वीडियो को पॉज करिएगा, आराम से पूरे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़िएगा, क्योंकि कई बार इनके डेटा भी पूछे जाते हैं कि इसका फैन आउट कितना है, हाईएस्ट फैन आउट इनमें से किस लॉजिक फैमिली का है, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो यहाँ पे आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट। किन गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, तो बेसिकली दो गेट हमारे पास होते हैं, नैंड और नॉर गेट, जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर गेट हमारा, इन ऑप्शन में से नॉर गेट हमारा यूनिवर्सल गेट है। इनको हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन गेट की हेल्प से, नैंड और नॉर की हेल्प से, हम किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी कोड इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रे कोड। किस बाइनरी कोड को हम ग्रे कोड कहते हैं, रिफ्लेक्टेड कोड को, एक्सेस 3 कोड, BCD और बाइनरी कोड, तो इसमें से रिफ्लेक्टेड कोड को ही हम ग्रे कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रे कोड इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, तो ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। ये जो दी है उनमें से फास्टेस्ट सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली कौन सी है, जिनका हम यूज करते हैं SSI और MSI ICs में भी, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड IC में भी हम उनका यूज करते हैं, तो वो है आपके TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक।
तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है, व्हाट लॉजिक फैमिलीज आर सैचुरेटेड, कौन सी लॉजिक फैमिली आपकी सैचुरेटेड हैं। तो जो बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज होती हैं आर क्लासीफाई एज बिलोंगिंग टू आइदर सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। जो बाइपोलर लॉजिक फैमिली होती है उनको हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली और नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। तो सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली क्या कहलाती है, द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड बिटवीन द ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। ऐसी लॉजिक फैमिली जिसमें ट्रांजिस्टर ऑफ और सैचुरेशन रीजन के बीच में स्विच करता है, ऑपरेट करता है, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली क्या कहलाती है, द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड बिटवीन द ऑफ एंड एक्टिव स्टेट, जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर स्विच करता है यानी ऑपरेट करता है ऑफ और एक्टिव रीजन के बीच में, वो हमारी नॉन सैचुरेटेड फैमिलीज कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बाइपोलर लॉजिक फैमिली दो टाइप से क्लासिफाई की गई है, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। सैचुरेटेड वो कहलाती है जिसमें ट्रांजिस्टर स्विच करता है ऑफ स्टेट और सैचुरेशन रीजन के बीच में, और नॉन सैचुरेटेड वो कहलाती है जिसमें ट्रांजिस्टर स्विच करता है ऑफ और एक्टिव रीजन के बीच में। तो यहाँ पे पूछा गया है सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज के बारे में। तो ECL एलिमिनेट्स सैचुरेशन एंड इम्प्रूव स्पीड बट यूज मोर पावर देन अदर लॉजिक फैमिली सच एज TTL एंड CMOS। ECL इज द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली एमंग ऑल एंड दिस इज ड्यू टू अवॉइडेंस ऑफ सैचुरेशन रीजन फॉर एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर TTL होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज नॉट मोस्ट कॉमनली यूज डिस्प्ले इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कौन सा डिस्प्ले मोस्ट कॉमनली यूज नहीं किया जाता। तो उसका करेक्ट आंसर है माइक्रोफोटिक इमेज डिस्प्ले जो है वो ज्यादा यूज नहीं किया जाता डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट फॉर लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट के लिए यूनिवर्सल गेट हम किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा के पूछे गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, ये आपके क्वेश्चंस UPPCL JEE का जो अभी सितंबर में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं। तो इसी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जनरली, और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो इन ऑप्शन में से NAND गेट इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दो टाइप के यूनिवर्सल गेट आपके पास होते हैं, NOR गेट और NAND गेट। इनको हम यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम किसी भी लॉजिक फंक्शन को या लॉजिक एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी अदर गेट की हेल्प से। तो यहाँ पे NAND गेट का सिंबल ये है और ट्रुथ टेबल ये दिया हुआ है, ठीक है, और इनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर आर डैश नंबर ऑफ डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 2 होता है, उसमें दो डिजिट की हेल्प से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर है 0 और 1। तो इसका आंसर होगा बी 2, ठीक है। जबकि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है और डेसिमल का 10 होता है। तो ये चार मोस्ट कॉमनली यूज हमारे नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर में हम कोई भी नंबर 0 और 1 की हेल्प से बना सकते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम या अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कौन सा है, तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। बाकी वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। उसके अलावा बाकी कुछ बहुत सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो भी आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश इन बुलियन एलजेब्रा इज सिमिलर टू द एडिशन इन ऑर्डिनरी एलजेब्रा। ऑर्डिनरी एलजेब्रा में जो हम एडिशन करते हैं वो बुलियन एलजेब्रा के किस ऑपरेशन के सिमिलर है। तो वो बेसिकली सिमिलर है और ऑपरेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बुलियन एलजेब्रा में जब हमें एडिशन करना होता है तो वो हमारे
और ऑपरेशन के इक्विवेलेंट होता है। और ऑपरेशन का आउटपुट आता है a प्लस बी, जो हमारे ऑर्डिनरी अलजेब्रा के एडिशन के इक्वल है। और का सिंबल ये है, इसमें दो इनपुट हैं और आउटपुट x है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें ऑर्डिनरी अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो बुलियन अलजेब्रा के किसके इक्वल है, तो वो एंड के इक्वल है, a डॉट b एंड का आउटपुट आता है। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे एंड के इक्वल है और एडिशन हमारे और के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारे और ऑपरेशन के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश अर्थमेटिक सर्किट एट टू बाइनरी डिजिट गिविंग ए सम बिट एंड कैरी बिट। वो कौन सा अर्थमेटिक सर्किट है जो दो नंबर का एडिशन में हमें सम और कैरी देता है? तो वो है बेसिकली हाफ एडर। हाफ एडर में हमें सम और कैरी मिलते हैं। सम का एक्सप्रेशन हमारा ए एक्सोर बी आता है और कैरी का एक्सप्रेशन ए डॉट बी आता है। हाफ एडर को हम एक एंड गेट और एक एक्सोर गेट की हेल्प से बनाते हैं। इसमें दो इनपुट हैं, अगर ए बी तो कैरी आएगी ए डॉट बी और सम आएगा ए एक्सोर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश कन्वर्ट बाइनरी कोडेड इन्फॉर्मेशन टू यूनिक आउटपुट सच एज डेसिमल ऑक्टल डिजिट एक्सेट्रा। वो कौन सा सर्किट है जो बाइनरी कोडेड इन्फॉर्मेशन को यूनिक आउटपुट में चेंज करता है, जैसे कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर देगा या बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर देगा, वो कौन सा कन्वर्टर है? तो वो बेसिकली डिकोडर कहलाता है। डिकोडर कन्वर्ट करता है बाइनरी को अदर फॉर्म में, डेसिमल में, ऑक्टल डिजिट के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट इन द गिवन सिंबल। ये सिंबल में जो लॉजिक गेट दिया है वो कौन सा है? तो वो है बेसिकली एक्सोर गेट। एक्सोर गेट का एब्रीविएशन होता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। इसमें हमारे दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होगा। आउटपुट हमें तभी लॉजिक हाई मिलेगा जब दोनों इनपुट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, अदरवाइज आउटपुट हमें लो मिलेगा। समझ में आ गया? एक्सक्लूसिव ऑर के केस में टू इनपुट डिजिटल सर्किट दैट आउटपुट लॉजिक वन इफ टू इनपुट वैल्यू डिफर। अगर दोनों इनपुट की वैल्यू डिफरेंट होंगी तो आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट लो मिलेगा। दैट इज इट्स आउटपुट इज लॉजिकल वन इफ आइदर ऑफ द इनपुट आर वन बट नॉट एट द सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विच पेयर इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। फिर से यूनिवर्सल गेट का क्वेश्चन पूछा गया है, सेम लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट दिए गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछे जाते हैं। हर एक सेट में अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा गया होगा, लेकिन अगर आपको करेक्ट आंसर पता है, पूरा एक्सप्लेनेशन पता है, तभी आप इनके करेक्ट आंसर कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। तो दोनों यूनिवर्सल गेट आपको पता होने चाहिए, नैंड गेट और नॉर गेट हमारे यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ द इनपुट्स आर पी क्यू एंड आर देन इन फुल एडर फाइंड द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ द सम। अगर हमारे पास तीन इनपुट है फुल एडर में पी क्यू आर, तो हमारे आउटपुट में जो सम का एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? तो वो बेसिकली होगा पी एक्सोर क्यू एक्सोर आर। अगर आपको फुल एडर का सर्किट डायग्राम पता होगा तो आप बहुत ही इजिली इसका आंसर कर पाओगे। ये सर्किट डायग्राम है फुल एडर का, इसमें हमें सम और कैरी मिलता है। सम का एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास तीन इनपुट ए बी सी है तो सम का एक्सप्रेशन ये मिलेगा और कैरी का एक्सप्रेशन आपका ये आएगा, ठीक है। सम के एक्सप्रेशन में आप देखिए सी एक्सोर ए एक्सोर बी ये मिल रहा है, तो यहां पे भी आपका अगर तीन इनपुट पी क्यू आर है उससे हम कंपेयर करें तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी लॉजिक फैमिली हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फैन आउट। इनमें से ये जो आईसी की लॉजिक फैमिली दी है उनमें से मैक्सिमम वैल्यू फैन आउट की किसकी होती है? तो मैक्सिमम वैल्यू होती है फैन आउट की सी मॉस की, और मिनिमम वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी स्टैंडर्ड टीटीएल की होती है। तो सी मॉस हैज द हाइएस्ट फैन आउट एमंग द गिवन लॉजिक फैमिलीज। अब फैन आउट क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, आप वीडियो को पॉज करिए और उसको पढ़िए। मैक्सिमम फैन आउट होता है सी मॉस का और मिनिमम होता है स्टैंडर्ड टीटीएल का। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट क्यू इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में
क्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा, आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये बेसिकली आई थिंक ये नैंड गेट है, नैंड गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन होगा ए बार प्लस बी बार या ए डैश प्लस बी डैश। यहां पे देखिए ये हमारा ये वाला गेट है और इसका एक्सप्रेशन आउटपुट में हमें मिल रहा है ए बार प्लस बी बार। अब यहां पे देखिए मैंने पूरे जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनको बबल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। एंड गेट को हम बबल में इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और गेट को हम इस तरीके से बबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नैंड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर को हम यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन है बबल्स के फॉर्म में। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाला जो सर्किट है उसका आउटपुट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली कंज्यूम मैक्सिमम पावर। इनमें से कौन सी लॉजिक फैमिली सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कंज्यूम करती है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर हमारी ECL करती है। ECL का फुल फॉर्म होता है इमीटर कपल्ड लॉजिक। ये ओरिजिनेट हुई थी 1950s में। ये फास्टेस्ट चिप है लेकिन सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव पावर सप्लाई का यूज किया जाता है -5.2 वोल्ट, जिसके कारण इसको किसी अदर फैमिली से इंटरफेस करना डिफिकल्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ECL ओरिजिनेट इन 1950s एंड रिमेन द फास्टेस्ट चिप अवेलेबल बट कंज्यूम मोर पावर एंड बिकॉज दे यूज अ नेगेटिव पावर सप्लाई ऑफ -5.2 वोल्ट हैव बीन डिफिकल्ट टू इंटरफेस विद अदर लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, तो ECL इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मैनी सेल वुड बी रिक्वायर्ड इन करलॉज मैप इफ 4 वेरिएबल आर इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द मैप फॉर फंक्शन मिनिमाइजेशन। फंक्शन मिनिमाइजेशन के लिए जो हम 4 वेरिएबल का के मैप यूज करते हैं उसमें कितने सेल होते हैं। तो 3 वेरिएबल के लिए मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था 3 वेरिएबल के लिए, यहाँ 4 वेरिएबल के लिए पूछा गया है। तो सबसे इजीएस्ट वे है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है करलॉज मैप में तो कितने सेल होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, 2^n से। ठीक है, इन आ एन वेरिएबल के मैप देयर आर 2^n सेल। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 2^3 = 8 सेल होंगे उसमें। अगर 4 वेरिएबल हैं तो 2^4 सेल होंगे। अगर 5 हैं तो आप 2^5 कर दो, 6 हैं तो 2^6 कर दो, तो उतने नंबर ऑफ सेल्स होंगे आपको ये पता चल जाएगा। और के मैप का बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये इजीएस्ट वे है फाइंड करने का कि एक के मैप में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन दिस। अगर ये एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया है तो इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होगा, ऑप्शंस ये दिए हैं। तो इसका बहुत ही इजी है, मैंने आपको बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन करके भी बताए हैं, मैंने आपको रूल रेगुलेशंस बताए हैं, उसको फॉलो करके करोगे बहुत इजी है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें आप दोनों साइड से पी प्लस क्यू प्लस आर कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने P प्लस क्यू प्लस आर को कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या बचा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर S प्लस टी का बार प्लस S प्लस टी बचा। अब हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम S प्लस टी इक्वल टू A। तो अगर S प्लस टी इक्वल टू A है तो ये हमारा हो जाएगा A बार प्लस A। अब हम जानते हैं कि A बार प्लस A इक्वल टू होता है 1, जो मैंने आपको रूल रेगुलेशन बताए थे उसमें ए बार प्लस ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, जैसा कि आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो भी आप देख सकते हो इसमें। तो इस टाइप के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी टाइप के आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो ये भी मुझको बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि वीडियोस में जितने ज्यादा व्यू आते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज। बाय।